एफडीआई बिल पर मुश्किल में घिरी सरकार अब विपक्ष को मनाने में जुट गई है। इसी सिलसिले में आम सहमति बनाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बिल पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से फिलहाल इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए अगले एक दो दिन में फिर से बैठक बुला सकती है। We told them, identify what are those implications you are concerned and government will address them. दरअसल 11 नए संशोधनों के बाद बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने पर विपक्षी पार्टियों में मतभेद है। कुछ पार्टियां बिल को कमेटी में भेजने पर अड़ी हैं, जबकि कुछ पार्टियां मांगे माने जाने पर सरकार को राहत देने के मूड में हैं। As far as opposition parties are concerned, we are not in agreement with government pushing the bill in such a way. Select committee का औचित्य तब बनता है कि जब सरकार हमारी बात को न माने। FDI insurance Trinamool has had the same stance from 2004. Ours is the most principled stand. समाजवादी पार्टी इंश्योरेंस बिल के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ है। अगर इसमें सरकार परिवर्तन नहीं करेगी तो हम सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करेंगे। ऐसा थोड़ी ना चलता है हाउस की अपनी मर्जी से। जब सरकार नींद से उठेगी और कहेगी कि भाई हम यही चाहते हैं, हम वही चाहे। मोदी कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने पर मुहर भले ही लगा दी हो, लेकिन संख्या बल के लिहाज से इस बिल को राज्यसभा से पास कराना उसके लिए आसान नहीं लग रहा। इसलिए रास्ता बीच का तलाशा जा रहा है। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।